गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सीधा सुबह का समय एज यूजुअल किचन में, और इधर मैंने बनाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बनी है आलू गोभी की सब्जी, और ये है रायता, और उधर मैं बना रही हूँ रोटी। एक साइड पे एक गैस पे दूध गर्म हो रहा है, और ये कढ़ी आई थी परसों, तो कढ़ी गर्म हो रही है, और एक गैस पे बना रही हूँ अपना फुलके। देखते हैं हमारा फुलका फूलता है या नहीं फूलता। जैसे हमारा मुंह फूला हुआ होता है, फूल गया, वैसे ही हमारा फुलका फूलता है या नहीं फूलता। तो हमारा फुलका जो है वो फूल चुका है। बंसल जी को देते हैं खाना। बंसल जी आज थोड़े गुस्से में लग रहे हैं मुझे, ऐसे रोज ही होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है इसमें। तो बस बंसल जी को जरा दे दूँ मैं भोजन, फिर आपको दोबारा मिलते हैं। कितने दिन हो बाद आ रहे हैं, तुम्हें थाली दिखा रही हूँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सुनीता जी। हैं, खा के बताओ। क्या खाऊं, कढ़ी खाता। कढ़ी तो आपके घर की है। कैसी है? आज यूजुअल अच्छी बोलोगे, फेवरेट है आपकी कढ़ी। और कढ़ी चावल किस किस के फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वाह, गोभी तो खिली हुई है। जैसे मैं सारा दिन खिलखिलाती रहती हूँ ना पूरे घर में, इधर से उधर, मतलब गुल्लू खिलखिलाती रहती है। गुल्लू एक ना अब ले चुके ऑलरेडी सुबह रोटी। कैसे रोटी सुबह नहीं रखी भी है? ये रखी, कहाँ रखी? वो रखी पीछे। इसको रोटी खिला दो। गोभी कैसी है? तल के बनाई है? झूठ मत बोलो। झूठ क्यों बोलूंगी मैं आपको? होती तो ये सोनू ब्राउन ही है। पीछे कर लो, कड़ी गरम है। चलो ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है, आपको बहुत ब्लैक नजर आ रहा होगा। और गुल्लू मैडम देखना सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, दिख रहा है आपको मेरा छोटा। और हम चलते हैं सीधा चाय बनाने, और आपसे थोड़ी सी गपशप करते हैं। एक्चुअली दादी को जो है वो वार्ड में तो शिफ्ट कर दिया है। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मैं नहीं जा पा रही हूँ। एक्चुअली गुल्लू की तबीयत जो है वो दो दिन से ठीक नहीं है। उसकी दाढ़ आने के चक्कर में उसके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और उसका जो स्टमक है वो भी अपसेट है काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए जो है मैं नहीं जा पा रही हूँ दादी से मिलने। बट हाँ, फ़ोन पे तो ऑब्वियसली सारी अपडेट्स जो है मिलती रहती हैं। तो अब मैं आई हूँ सीधा किचन में चाय बनाने। सो गई थी गुल्लू, मेरा भी मन था, मैंने भी 10 मिनट की नाप ली, टाइम ही नहीं मिला। फिर मुझे वीडियो शूट करनी थी अपने चैनल के लिए, फिर वो मैंने अपने चैनल के लिए वीडियो शूट करी। मैं ढूंढ रही थी फ्राइंग पैन चाय बनाने के लिए, चायदानी जिसको कहते हैं। तो बस यही अपडेट है, मैं एक बार चाय बनाऊँ फिर मिलते हैं। इधर बना रही हूँ मैं गुल्लू के लिए, अभी उठने वाली है, तो सूजी का हलवा टाइप। और इधर मैंने बनाई है अपने लिए चाय। ये कढ़ी सुबह की रखी हुई है, दूध ये रखा हुआ। बस अभी ये चीज़ करूँगी, गुल्लू उठेगी तो उसको दिक्कत नहीं होगी। ये खिला दूँगी मैं थोड़ा सा ना, कुछ तो खाएगी एटलीस्ट। सो गाइज, इवनिंग का टाइम, मेरी चाय अभी तक नहीं बनी है, और गुल्लू मैडम भी मेरा उठ गया है, मेरा बच्चा, और पानी पी रहा है। इसके ना अभी पेट में दर्द हो रहा है, एक्चुअली इसकी दाढ़ निकल रही है ना, तो इस वजह से ना इसके पेट में काफ़ी दर्द रहने लग गया है। मतलब जैसे ये मोशन भी ढंग से नहीं कर पा रही है, इसको दर्द हो रहा है उसमें। तो बट अभी जैसे दो दिन से मैं इसको हींग लगा रही हूँ पेट पे, तो थोड़ा सा रिलीफ मुझे लगा है। से हेलो, अभी शो के उठा है ना बाबू, छोटा है अभी, छोटा है ना अभी, लड्डू मेरी रसमलाई। सिंगापुर चलेंगे? गुल्लू को सिंगापुर बहुत पसंद है, वो कैसे देख रही है बटन जैसे, देख ना गुल्लू और मेरी आंखें मैच कर रही हैं। गुल्लू एक बार इसको बंद कर, इसको बंद करिए जरा, मम्मा मम्मा के साथ आईज मैच कर रही है।
मुझे ऐसा लगता है गुल्लू के अंदर और कुछ है या नहीं है। गुल्लू की आईज और मेरी आईज बिल्कुल सेम है। देखो मेरी आईज में तिल है और एक मेरे तिल इधर है और नहीं है कहीं यहाँ पे भी। चाय जो है वो बन चुकी है, अब इसको छान लेते हैं। चाय बिस्किट एंजॉयमेंट और गुल्लू की यहाँ पे बिस्किट की एंजॉयमेंट हो रही है। देखो ऐसे करती है, सारा फैला देती है, उठाती है, खाती है, फैला देती है सारा। छोटे बच्चे बिस्किट और गुल्लू का टॉप का कलर मैच कर रहा है, हैं गुल्लू? हाँ अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। चाय नहीं पीनी आपको? चलो चलो पापा आने वाले हैं। सुबह से गुल्ला के स्टंट देखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आजा गुल्लू, डोंट ईट दिस, आजो मम्मा पास आओ, आओ फटाफट आओ। देखो एक सॉक्स से पड़ी, दूसरी भी होएगी कहीं, डेली करती भाई। आजा देखो, देखो मैं कैसे मार रही है। कैसे कर रहे हो आप? भागे भागे कैमरा के सामने दिखती हूँ। कैसे कर रहा है? हम आया हॉस्पिटल में दादी से मिलने, आओ फटाफट। दूध भी गिर गया भैया, पाला पाला चाहिए तुम्हें। गुलू अम्मा चल तो रहे हैं घर। हाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं है, दो दिन हो गए इसकी तबीयत ठीक है नहीं। सो फ्रेंड्स, रात के बज रहे 12:15 और मैं आ चुकी हूँ घर पर। एक्चुअली दादी को डिस्चार्ज दिला दिया था क्योंकि दादी मान नहीं रही थी कि भाई मुझे जाना है तो जाना है। तो फाइनली हमने उनको डिस्चार्ज कराया, उठी, उठते ही वो गिर भी गई बट वो मान ही नहीं रही थी। फिर सबसे बड़ा मेन चैलेंज ये था ऑक्सीजन का, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि भाई ऑक्सीजन जो है 1 month लगा के रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए फिर अब आज हमने अरेंज किए ऑक्सीजन सिलेंडर, बंसल जी ने अरेंज कराए हैं। तो अब सिलेंडर घर पे दे आए, अब घर पे देने के बाद अब आई उधर अपने घर पे, बेचारे किसी ने खाना नहीं खाया, अब खाना बनाऊंगी। तो इसी के साथ ये ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग करती हूँ। फिलहाल मिल भी आई थी दादी से, शी इज़ फाइन नाउ, बट उनको अनार चाहिए खाने के लिए, तो अनार तो डॉक्टर ने मनाई किया है कि नहीं देना, जूस मतलब लिक्विड चीज़ें दो। तो और गुल्लू मैडम ने भी बहुत परेशान किया है, देख रहे हो दिन पर दिन इसकी हरकतें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। छोड़ छोड़ क्या। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग करते हैं। डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बंसल फैमिली। बाय बाय, गुड नाइट।